विशेषज्ञ अजीत कुमार कर्ण जी जुड़े हुए हैं, राजीव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सीनियर एडिटर आजाद खालिद भी जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपके पास आएंगे, बात हो रही थी उत्तराखंड में जिस तरह से मैंडेट आया है, ये कहा जाता है एक साल बीजेपी एक साथ एक बार कांग्रेस, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे थे, ऐसे में बीजेपी क्यों? प्रभात जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी प्रभात जी। हेलो श्वेता जी, आवाज आ रही है? जी प्रभात जी, बताइए। चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से हम लखनऊ स्टूडियो तक संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडिटर आजाद खालिद जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आजाद खालिद, जो ये मैंडेट आया है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एग्जिट पोल भी इतना नहीं बता पाए थे जितना कि अब मैंडेट दे दिया है यूपी की जनता ने। देखिए, यूपी की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो कोई एक दिन में नहीं हो गया। अगर आप पिछले कई शासनों की बात करें, बसपा के शासन की बात करें या समाजवादी पार्टी के शासन की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर जनता की नाराजगी है वो उजागर हुई है और जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है कि जनता के एक एक वोट की जो ताकत है वो आपने देखी है। आप ये देखिए कि भले ही एग्जिट पोल में इतने अनुमान न लगाया गया हो, उससे भी आगे चले गए हैं। आप ये देखिए, इस बार तमाम चीज़ें हुई हैं, सब लोगों को 300 सीटें मिल रही थी और सब लोगों के दावे थे। आरएलडी का भी आपने जिक्र किया, वो खाता भी नहीं खोल पाए। उसके अलावा कांग्रेस, आप इसको ऐसे देखिए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका कहना ये है कि देश की के जन्म से यानी आज़ादी से उसका ताल्लुक है, वो आज तक बड़ी पार्टी बनी हुई है। लेकिन आज उसकी ये हालत हो गई, उसको उसी कंपनी को अपना ठेका देना पड़ा विज्ञापन का, जिसने लोकसभा में उसकी नैया डुबोई थी। तो क्या जनता इसको रीड नहीं कर रही है? जनता रीड कर रही है, जनता सब कुछ जान रही है, जनता सब कुछ जानती है। आप ये देखें कि अखिलेश यादव, उनका 5 साल का जो कार्यकाल था, अगर उनको अपने कार्यकाल पे भरोसा होता, आप देखिए कभी कभी आप किसी चीज़ को कूदते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप उसमें गिर जाते हैं, कॉन्फिडेंस जब पूरा होता है तो आदमी कूद जाता है। अगर अखिलेश यादव अपना कॉन्फिडेंस अपने कार्यकाल पे होता तो ये गठबंधन कतई ना करते। ये पॉलिटिकल एक उनका एक हार का एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा सकता है। दूसरी बात, आपके परिवार के अंदर जो कन्फ्लिक्ट था वो आप घर बैठ के निपटाते। आपने जो मंच के ऊपर जितने लोग थे आपने उनको अपमानित किया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी को कुछ कह दिया। आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि गायत्री मेरी बात नहीं सुनता। यानी आप ये देखें, एक पिता, उनका बयान है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी भी लोकतंत्र के अंदर एक चुने हुए सीएम को कोई आदमी ये कहता है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा, तो जनता ऐसा नहीं है कि जनता सब जानती है। आप ये कहते हैं जनता भूली है, लेकिन जनता भूली जरूर है, लेकिन उसको मालूम है कि उसका एक दिन है, उस एक दिन में उसको अपनी ताकत का इजहार करना है और उसने उसका इजहार किया, उसने बताया कि आप लोग सीरियस नहीं है। तुलिक, आप ये देखें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो रोडवेज की बसेस जो हैं सारी लाल हो जाती हैं, सपा का रंग हो जाता है। आप देखिए, बीएसपी की सरकार आती है तो उनका रंग नीला हो जाता है। आप साइकिल ट्रैक बनाते हैं, आप कहते हैं कि साइकिल चलाइए और सेहतमंद रहिए, हालांकि ये अच्छी बात है, उसको आप दूसरे नजरिए से भी देखें, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करते हैं? आपको याद होगा जनता दल का चक्र का निशान था, लेकिन एक जमाने में किसी कंपनी का भी चक्र का निशान आता था, बाकायदा चुनाव आयोग ने उस तक पर नजर रखी। दूसरी बात, आप ये देखें जिस तरीके से पॉलिटिकल सीन बने हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में, जेपी आंदोलन के बाद जितने लोग इकट्ठे हुए थे उनमें आज जिस तरह से जूतों में दाल बटी है, क्या उसका फायदा दूसरी पार्टी को नहीं मिल सकता? कांग्रेस के अंदर जिस तरह के हालात हुए, आप ये देखकर रीता बहुगुणा जोशी वो बाहर हो गई, वो कांग्रेस से नाराज होकर चली गई, किसी ने उनकी पीड़ा नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि हम उनका फेवर करें या विरोध करें, लेकिन क्या पार्टी में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है या नहीं है, ये भी तो आपको बताना होगा। जब आप अपने ही लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या जोड़े नहीं रख पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो आप आम आदमी को कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल था और उस सवाल का जवाब जो है जनता ने अपने अंदाज में दिया और उसको मेरे ख्याल में सभी पार्टीज को समझना चाहिए। और एक मंथन का समय है, उन लोगों के लिए मंथन का समय है जो कि ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं,
जी, आप कितने खिलाफ हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। हालांकि ये जो पिछले एक दो बार के चुनाव के आंकड़े हैं वो यही बता रहे, जनता भोली नहीं है, बहुत समझदार हो गई जनता और वो उसको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है और यही देख के वो वोट भी दे रही है। इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें हंग पार्लियामेंट नहीं आता है, हंग विधानसभा में कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। प्रभात जी, आपके पास एक बार फिर से आते हैं, मेरा सवाल उस वक्त भी अधूरा रह गया था और इस बार हम उसका जवाब जरूर आपसे लेंगे। जी, सवाल यही है कि ऑप्शंस बहुत थे यूपी में, जो हमारे वोटर्स थे उनके पास समाजवादी पार्टी ऑप्शन है, कांग्रेस ऑप्शन है, बीएसपी ऑप्शन है, ऐसे में बीजेपी क्यों? देखिए श्वेता जी, खालिद भाई ने अभी जिस तरीके से पूरी बात को समझाया जी, उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये चुनाव में सुनामी कहां से आई, कैसे आई। हाँ, इस चीज को विपक्षी दल वाले, चाहे वो पीके हो, चाहे वो उनके अमेरिका से आए हुए रॉबर्ट हो, इन लोगों ने जो सारी चीजें, इन लोगों ने पैसा लिया पार्टी से। हाँ, लेकिन ये जिस तरीके से जनता में डिलीवरी होनी चाहिए सरकार की, देखिए लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें जो हमारे एक संस्कृत में है, जो उत्तर प्रदेश की एक संस्कृत है और जो हम लोग अपने पिता का सम्मान करते हैं, वो तो एक मैटर किया इस पार्टी के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो खात्मा हुआ वो पूरी तरीके से एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये सबसे करारी हार मायती की हुई है, जो लोकसभा चुनाव को फिर उन्होंने दोहराया है। तो ऐसी स्थिति में जो मूल मतदाता है, जो आपकी जातिगत आधार पे केडर वोट बैंक है, जो आप पे विश्वास करता था कि मायावती दलितों की बात करती है, मायावती गरीबों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं टिकट करोड़ों रुपए में बेचना, कहीं ना कहीं दौलत की बेटी की बात आना, तो ये सारी चीजें जो गरीब मतदाता था जो मोदी की तरफ इंटेक्ट कर गया और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसने अपना शिफ्ट कर दिया। और उसने इसलिए किया कि भैया आप हमारी दुर्दशा की स्थिति को समझ नहीं रहे हैं, और भैया दूसरा कोई नेता आया है इस देश के अंदर जो एक आम आदमी की बात करता है, सबका साथ सबके विकास की बात करता है, तो वो जनता ने उसको स्वीकार किया और आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं पाई। और इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 17 में लिखा है, इसको मेंटेन करना 2019 में इन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये देखना है कि वो कौन सा चेहरा आ रहा है जो मोदी के हिसाब से चलेगा, जो जनता को लेके चलेगा, जो वायदे किए हैं, जो डिलीवरी देने की बात की है, स्वच्छ शासन की बात कही है, कानून व्यवस्था को लेके जनता के बीच में आप गए हैं, आपने विज्ञापन बनाया, उसमें एक लड़की कह रही है कि भैया मुझे जो है सौदों से परेशानी है, मुझे जो है सुरक्षा चाहिए। तो आपने जिस तरीके से मोदी जी ने जनता को के भावनाओं को टच किया है, उसको मेंटेन रखना, देखिए प्रचंड बहुमत को मेंटेन रखना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता ने आपको जनादेश दे दिया है जिस जनादेश का इंतजार हो रहा था। अब नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, केसरिया परचम लहरा गया है, अब आपको जनता के हर सवाल का जवाब इन 2 सालों में देना होगा। मोदी ने देखिए एक बात कही बनारस में कि हम 2022 में अपना हिसाब देंगे, मेरा ये मानना है कि 2019 में जनता को आपको हिसाब देना होगा, 5 साल की केंद्र की सरकार और 2 साल की लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार। चलिए राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे सवाल आपने बीजेपी को लेकर भी उठा दिए, प्रभात जी उन्हीं का जवाब हम राजीव जी से भी ले लेते हैं। राजीव जी, सबसे पहला सवाल, अब यूपी का सीएम कौन होगा? जाहिर तौर पर आपकी पार्टी इस पे चिंतन मंथन करेगी, लेकिन कुछ तो नाम होंगे जिन पर चर्चा की गई होगी, जिनके नाम सामने आ रहे होंगे इस रेस में आगे होंगे। पहले भी मैंने बताया था, खालिद भाई को भी मैंने बताया था, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है। हाँ। और यहाँ पे जो तय हो जाएगा वो सर्वमान्य होगा, और ये पार्लियामेंट की कमेटी बैठने जा रही है कल, और उसमें वो तय हो जाएगा कौन नेता भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ये बताना चाहता हूँ, पहले भी हम लोग ने कहा था, मुख्यमंत्री हम लोग ने हरियाणा का भी नहीं किया था, हम लोग ने गोवा का भी नहीं किया था, और हम लोग ने बिहार लड़ा था तब भी मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होगा वो आपको बहुत परसों पता चल जाएगा पार्लियामेंट कमेटी। लेकिन राजीव जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी आपके कंधों पर आ गई है, जैसे कि प्रभात जी कह रहे थे कि अब आपके लिए श्वेता जी, जनता ने जिस तरह 22 करोड़ की जनता ने जिस तरह से हम लोग को वोट दिया है और वो हमसे विकास का वादा किया, विकास हम लोग को करके दिखाना है, बिल्कुल मेरे मित्र ने, मैं इनकी बात के सहमत हूँ कि वो हम लोग को जो जवाब देना 2019 में देना, हम लोग वो तैयार है 2019 में, और खाता भाई पूरा एक चार्ट बनाकर और काम की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात। हाँ।
और बिल्कुल बात बता रहा हूँ, चांद से लेके पूरा यूपी का रोड मैप बनाने जा रहा हूँ और उसी में विकास होगा और हम जनता को 2019 का जवाब भी देंगे कि ये काम हमने किया है। जी चलिए, क्योंकि समय बहुत कम है, राजीव अजीत जी यहाँ पर आपके पास आते हैं। चुनाव से पहले लगातार ये बात भी कही जाती थी और हर चुनाव में हमने देखी है कि मुस्लिम वोट बैंक जो होता है वो एक मुश्त वोट देता है और वो एक मुश्त जिसको वोट देता है जाहिर तौर पर उसको जीत हासिल होती है। इस चुनाव में क्या लग रहा है, कहां पर चला गया ये वोट बैंक? देखिए यही तो दुर्भाग्य है अपने देश का कि हमेशा से मुस्लिम को वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया है। हाँ। मायावती जी ने खुलेआम मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला करके कहा कि उधर नहीं जाना, उधर बीजेपी है, इधर नहीं जाना, इधर जो है वो अलग जो है मुस्लिम विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिसको मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे के लिए कहा ये मुस्लिम विरोधी हैं जावेद अहमद के अपॉइंटमेंट को लेकर के। इधर एक तरफ से एक चीज को कितनी ओर आप खींचेंगे। अब इधर महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिला पहले भारत की नागरिक है, मुस्लिम महिला उनके अधिकारों की और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए बीजेपी आ गई और कहीं ना कहीं वो चुभा है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट किया है मुस्लिम महिला पे। और मुस्लिम वोट को वोट बैंक समझना इन लोगों की बहुत बड़ी भूल रही है। अब तो कम से कम संभलें कि मुस्लिम को मुस्लिम बैंक की तरह वोट ना करें और उसको समझें कि ये भी सामान्य नागरिक हैं, पढ़ाई लिखाई और से लेकर के और इम्प्लॉयमेंट तक का व्यवस्था करें। वोट बैंक के थीम को और गढ़ के थीम को इस बार के चुनाव ने यूपी की जनता ने ध्वस्त कर दिया है। तो जाट लैंड और ये यादव लैंड इस तरह के गर्व को समाप्त कर दिया है। जी अजीत जी, इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दलों ने, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीएसपी की बात करें, उन्होंने इस तबके को एक वोट बैंक की तरह देखा और बीजेपी ने उनकी भावनाओं को छुआ और इसको वोट बैंक वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कभी नहीं, बीजेपी ने किसी भी वर्ग के लिए वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं किया, वही आज परिणाम में दिख रहा है। देखिए तुलिका, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है कि भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोट बैंक समझा या नहीं समझा, मुस्लिम ने क्या फैसला किया ये बहुत बड़ा सवाल है। एज ए वोट बैंक उसने अपने को ट्रीट किया। देखिए आप हर क्षेत्र का जब विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि मुस्लिम वोट एक मुश्त किसी को नहीं पड़ा है। बिल्कुल जी, लेकिन खालिद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत, मतलब इसको कहा जाता है गढ़ है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, यहाँ पर बहुत नेक टू नेक फाइट भी इन दोनों ही पर यहाँ पर रही है, लेकिन इस चुनाव में इन दोनों को ही यहाँ पर इस एरिया में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों ने सोचा हमारा गढ़ है, इसको साध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपने एक खबर अभी चलाई थी हम लोगों ने जिसमें देवबंद के अंदर भी बीजेपी जीती है और गैर मुस्लिम एक कैंडिडेट जीता है, इसको आप ऐसे देखिए। देखिए इसको बहुत वाइड प्रोस्पेक्टिव में देखना होगा। जो मुस्लिम के ऊपर एक ठप्पा लगाया जाता है कि वो एक वोट बैंक है, मुस्लिम खुद चाहता है कि वो ठप्पा उसके ऊपर से हटे। आप कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी बहुत फॉरवर्ड सोचती है, कम्युनिटी को लेके कोई आदमी कुछ भी डिसाइड करे या कुछ भी प्रचारित करे, लेकिन कम्युनिटी ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत गौर करने वाला है। देवबंद जैसी जगह से अगर मुसलमान ज्यादा वहां जाता और ये फैसले नहीं आते तो आपको साबित हो गया कि जहां से फतवे देके, जहां से माहौल बना के सरकारें बनती आई हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर के दंगों को मैनेज करने वालों को वहां पर डेरा डाला गया है और उसके बाद पीड़ितों के मामलों को दबाया गया है, जहां से तमाम राजनीति अब तक होती आई है वो किनारे कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा समय है जबकि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा। बीजेपी के लिए बीजेपी ने बहुत बढ़िया एक, जिसे कहना चाहिए, मैसेज दिया कि हमने भले ही टिकट दिया या नहीं दिया, लेकिन मुसलमान का विकास जो है या कम्युनिटी का विकास जो है वो टिकटों में नहीं है बल्कि सोच में है या पॉलिसी में है। तो बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उसके बावजूद अगर मुस्लिम जो है, जिन लोगों को वोट बैंक कहने की आदत रही है, उनको नकार दिया है, तो ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा फैसला है और इसका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल चेंज के तौर पे देखा जा रहा है। और पूरे हलके में इस बात की चर्चा है कि जो लोग मुल्ला मुलायम सिंह होके राजनीति करते रहे हैं, जो लोग 103 सीटें देने के बाद, टिकट देने के बाद कहते थे अब हमारे साथ कम्युनिटी लग गई है, उनको जो जवाब दिया है कम्युनिटी ने, ये बहुत बड़ा एक मौका है। जबकि एक राजनीतिक सिस्टम को सोचना होगा कि अब वोट बैंक की राजनीति या धर्म की राजनीति या समुदाय की राजनीति को कहीं ना कहीं देश में अब नकारा जाने लगा है। तुलिका, राजीव जी कुछ कहना चाहते थे। जी देखिए, धर्म के ठेकेदारों को भी, तुलिका जी, श्वेता जी, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में बस्ता, यस, विद्या दे, तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने, बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज है। प्रेस किया
और तीन तलाक वाला भी मामला जो नरेंद्र मोदी जी ने छुआ, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए और कोर्ट द्वारा जो निर्णय आएगा बहुत अच्छा निर्णय आएगा इसका। जी आप यहाँ पे प्रभात त्रिपाठी जी एक बात जानेंगे जी, श्वेता जी ये कहना है कि आप देखिए कि ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये तमाम मस्जिदों से अथवा उलेमा जो धर्म के आधार पर बयान देते रहते हैं, फातिह अपना देते रहते हैं फतवा, इन लोगों को भी अपने मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, इनको बंद करना चाहिए। बीजेपी अथवा कोई सांप्रदायिक पार्टी शंकराचार्यों से बयान दिलाने लगेगी, हो चुका देश का विकास तब। इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने क्षेत्रवाद धर्मवाद इसको किनारे करके एक मैंडेट दिया है, बीजेपी को उसका सम्मान करना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि विकास ही वो ऐसी चीज है जो धर्म राजनीति को मिटा देगी। जी जाहिर तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभात जी एक सवाल यहाँ पर ये भी उठा है कि लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या तो राहुल गांधी ये कहते थे हम गुस्से और नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, गुस्सा मत करो नफरत नहीं करो, ये लगातार वो कहते रहते थे, मतलब जाहिर तौर पर उनका निशाना जो रहता था वो मुस्लिम वोट बैंक पे ही रहता था, मुसलमानों पर ही निशाना साधने की कोशिश करते थे कि आप गुस्सा मत करो नफरत मत करो, असहिष्णुता वाली बात पर वो भी ऐसे ही मतलब गोल मोल करके उनका कहने का मतलब यही रहता था, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं मिल पाया उनको। देखिए तुलका जी, इस चीज में खालिद भाई जी सहमत होंगे मेरी बात से कि राहुल गांधी एक हवा हवाई नेता है, उनको विरासत में एक पार्टी के लीडर तो हो गए हैं, अखिलेश को भी विरासत में पार्टी मिली थी 2017 में, अखिलेश के पास अगर 50 सीट आ रही है तो ये 50 सीट का जनादेश अखिलेश का अपना व्यक्तिगत जनादेश है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जो बहस चलेगी कि 316 सीट में जो सुनामी आई है, आखिर उस सुनामी जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है उसमें कौन कौन सी जातियां धर्म विकास सारे चेहरे स्वच्छ छवि के लोग क्या क्या फैक्टर काम किया है और किस तरीके से ये दो राजनीतिक दल सत्ता से बाहर हुए हैं और बहुत बुरी स्थिति में बाहर हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की इतनी बुरी स्थिति होगी वो भारतीय को नहीं पता था, भारतीय समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की देखे, कांग्रेस ने 28 सीट से 12 सीट में आ गए 10 सीट में आ गए। कांग्रेस की जो बात है देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 89 के बाद कांग्रेस ने जब जब जिस पार्टी को समर्थन दिया या समाजवादी पार्टी ने दिया वो पार्टियां समाप्त हो गई। तो राजीव जी का है कि अब ये समीक्षा होगी सुनामी आने के कारण क्या थे, मतदाता कैसे बिल्कुल हिंदुत्व पूरा पोलराइज हुआ या जो मुस्लिम मतों का बिखराव हुआ क्या ये कांड चला, देखिए सारी चीजों का अब समीक्षा का दौर शुरू। राजीव जी राजीव जी आप एक महीने तक राजीव जी आप और हम कई बार डिबेट में एक साथ बैठे हैं, आपको याद होगा आपने दो चीजें कही थी, आपने कहा था 11 तारीख को फैसला आ जाएगा गायत्री पे हम लोग डिसीजन लेंगे, एक तो ये डिसीजन कब तक हो जाएगा, दूसरा आपने कहा था जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार होगी तो गंगा की सफाई हो जाएगी, मेरा सवाल अभी जारी है। आपने कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी, आपने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को कई लाख करोड़ रुपए ज्यादा दिया हुआ है, तो क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जो अभी गई है अभी कुछ घंटे पहले पूर्व हुई है इससे क्या हिसाब लेंगे आप लोग, क्योंकि अब आपकी सरकार रहेगी केंद्र में भी आप हैं उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, क्योंकि जो आपने पैसा दिया था अखिलेश सरकार को वो जनता का पैसा था, तो क्या अब उस करोड़ रुपए का हिसाब होगा या कुछ उसमें क्या किया जाएगा, कुछ आपने सोचा अभी? हालांकि जल्दबाजी होगा आपको लगा, आपके पास ये जवाब होगा कि अभी जल्दबाजी है, लेकिन हम जनता सवाल कर रही है ये नहीं, जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जनता ने हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखा है, 22 करोड़ जनता ने, उसको तो मुझे हिसाब देना ही, और वो जनता का पैसा है और ये विश्वास आप मानिए। आपने गायत्री प्रजापति वाली बात कही है, मैंने कहा मुख्यमंत्री जैसे शपथ लेंगे 3 घंटे के अंदर गायत्री जेल के पीछे होंगे, ये मैं आप भी कह रहा हूँ, काली जी फिर कह रहा हूँ। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मुझे मेरे मित्र बता रहे हैं, मुझे सही में 2019 में मुझे रोड मैप बना के मुझे काम करके दिखाना पड़ेगा, इस जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतना बड़ा विश्वास मेरे साथ किया और जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ, कोट कोट जनता के सर पे उनका नमन नमन करता हूँ, जिस तरह उन्होंने मैंडेट दिया है उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, और ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2019 तक 2 साल में विकास करके उत्तर प्रदेश को दिखाऊंगा। अच्छा, जो यहाँ पर हम अजीत जी के पास आ जाते हैं, अजीत जी हम अभी जैसे प्रभात जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस का ये रहा है हाल कि कांग्रेस ने जिसके साथ भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा उसका अस्तित्व ही एकदम खत्म होने की कगार तक आ गया है, इस चुनाव में
जो हाल हुआ समाजवादी पार्टी का, जाहिर तौर पर अब कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इस चुनाव में हम ये भी नहीं कह सकते कि सोनिया गांधी मौजूद थी या प्रियंका गांधी मौजूद थी, अकेले दम पर राहुल गांधी इस चुनाव में यूपी में मौजूद थे, अकेले दम पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व को लेकर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि उपाध्यक्ष हैं और माता जी उनकी मौजूद नहीं है, तो वो अध्यक्ष का भी सारा कार्यकाल देख रहे हैं, कार्यभार देख रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कांग्रेस को इस मामले में ऐसे ऐसे नहीं आंका जाए कि ये पनौती है, इस टाइप का नहीं माना जाए जी। लेकिन ये देखिए कि हम एक मुद्दे कांग्रेस को ये समझ में शायद धोखा हो रहा है कि जनता सब भूल जाती है। हाँ। आप, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ, मुस्लिम मुद्दे पर आता हूँ, जो कि कांग्रेस सपा और बसपा तीनों का बहुत प्यारा सगल रहा है कि जनता को भ्रमित करना सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता के खिलाफ। अरे जनता जनता है, सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक इसको देखना बंद कीजिए। आप देखिए एक डिसीजन साहबानों के केस में जी, कांग्रेस का निर्णय ये हुआ, संविधान में संशोधन तक कर डाला कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी जी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि आपको हम तीन तलाक के जुल्म से बचाएंगे। दोनों में बेसिक फर्क देखिए, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी कांग्रेस के पास है जो उसको बैक गियर में डाल रही है। इसलिए मंथन करने की तो जरूरत है, यदि मंथन नहीं करेंगे सही तो जो मोदी जी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त सरकार में ये भारत को बनाएंगे, तो इसमें तो ये लोग सहयोग कर रहे हैं, इसमें देखिए कांग्रेस का कुछ विशेष योगदान हो ना हो, इन्हीं यही लोग सहयोग कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति का मुद्दा जो है वो तो बीजेपी का ही हथियार बना है और बीजेपी को उससे फायदा हुआ है। देखिए कांग्रेस के अंदर तो मंथन हो गई, लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर के अंदर भी मंथन करना होगा। एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस के अंदर ऐसा भी मौजूद था जो चाहता था कि राहुल एक्सपोज हो, और इस बार जो देखा जाए, अगर बिल्कुल हम सूत्रों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर की सूत्रों की बात कर रहे हैं, अगर हम उनका नाम कोट कर देंगे तो शायद उनको दिक्कत हो जाएगी। वो खुद चाहते थे कि राहुल गांधी का ये चेहरा एक्सपोज हो, वो कितने ताकतवर हैं। जब हमने उनसे पूछा कितनी सीट ला रहे हैं, तो उन्होंने हंस के कहा था कि 105 ला रहे हैं। देखिए उनका जो तंज था, उनका जो व्यंगात्मक जो भाषा थी वो ये थी कि 105 ला रहे हैं, यानी वो खुद चाहते थे कि राहुल जो है वो एक्सपोज हों। जिस तरह से उनको लोग धो रहे हैं, वो भी अंदर कांग्रेस के अंदर भी एक घुटन है। बहुत लोग ऐसे हैं, चूंकि बहुत दिनों से पड़े हुए हैं कांग्रेस के अंदर, वो कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन वो खुद चाहते थे कि अंदर से ये चीज़ें हों। और जो राहुल का एक वो बना हुआ है, देखिए बाकी सब लोग एक तरफ हो गए, आपने देखा होगा उसके अलावा कोई नजर भी नहीं आया। राज बब्बर भी कहीं आपको बोलते हुए नजर नहीं आया, आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो इस गठबंधन से कहीं खुश नजर नहीं आ रहे। निश्चित कहां गए, वो भी तो नजर नहीं आ रही। देखिए जिस तरह से उन्होंने 105 सीटों पे कंसर्ट किया था, लेकिन वो 75 सीटों पे लड़े थे और 30 सीटों पे सपा लड़ी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 75 सीटें इनको मिली। हाँ, गठबंधन को ठगबंधन भी कहा गया था। जी प्रभात जी, यहाँ पर एक सवाल और उठा है, जैसे जी प्रभात जी आप ही के पास आ रहे हैं, कह सकता हूँ क्या जी, चापलूस की राजनीति, चापलूस की जो राजनीति है वो खत्म इस देश से हो रही है, प्रदेश से हो रही है। कांग्रेस चापलूस पसंद पार्टी है, और जो चापलूसी पसंद लोग हैं उनको जनता ने नकार दिया है, और कांग्रेस को बहुत आत्मनिर्भर करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे हम अगर बैठे हुए हैं और 2019 में हमें मोदी के सामने आना है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पहले उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को ठीक करे और कुछ ऐसे नेताओं को बाहर करे जिन नेताओं ने 15-20 साल तक विधानमंडल दल के नेता रह के पार्टी को नष्ट किया है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाएगी, कई वरिष्ठ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कांग्रेसी वहां काम करते हुए आपको दिखाई देंगे जी। और वो दूसरे दलों के समर्थन में राज्यसभा पहुंच जाते हैं, अपनी बेटी को जिता के, अपनी बेटी को जिता के आ गए। तो चापलूसी की जो राजनीति है वो अगर जब तक ये राहुल गांधी का चाहे नेतृत्व हो चाहे प्रियंका हो, आने वाले समय में प्रियंका इसलिए राजनीति में नहीं आ सकती है कि उनके संग वाड्रा जुड़ा हुआ है, वाड्रा राजनीति में आ जाएगी तो गांधी परिवार बैक हो जाएगा। तो ये पूरी चीजें समझनी होगी, और कांग्रेस को चाहे चेहरा राहुल रहे चाहे चेहरा प्रियंका रहे, उनको चापलूस की राजनीति जो है, जो चापलूसी की राजनीति है, खत्म करनी होगी और एक नई लीडरशिप तैयार करनी होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि हम यूपी के परिपेक्ष में तो बात कर रहे हैं कांग्रेस की, अगर हम पंजाब के परिपेक्ष में बात करें तो पंजाब में कांग्रेस को 74 सीटें मिल गई, यहाँ पर हम इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए अगर अगर पंजाब के चुनाव को कांग्रेस ये मान ले
कि ये हमारे पक्ष में मैंडेट है, हाँ। तो यही उसकी भूल होगी। ये तो बरनाला जी के प्रति गुस्सा है पंजाब के लोगों का, हाँ। कि और वहाँ विकल्प के रूप में कांग्रेस थी तो उसको उसको टिकट मिली है। तो यूपी में पंजाब की जीत को बरनाला के प्रति गुस्सा मानना चाहिए समाजवादी पार्टी की नाकामी। सही आकलन और सही विश्लेषण कर पाएंगे। तौर पर तो वहाँ पर आप भी मौजूद थी। आपका आपका बयान आप देख लीजिए, वहां पर जब गए अरविंद केजरीवाल जी तो एक देशद्रोही जो कि कार्य में तल्लीन है उसके घर पर जाकर रुक गए। आपकी विश्वसनीयता तो दिल्ली में भी दिख रही है कि कितना काम किए हैं और क्या किए हैं। इसीलिए आपको नकारना, तो जैसा एग्जिट पोल आ रहा था मुझे उस पर भी शक था और वही सामने आया कि आप कहीं पर नहीं जी। है प्रभा जी, इस पर आपका वर्जन अस्थाई तो नहीं है आपने? नहीं दुर्गा जी, देखिए स्पष्ट तौर पे आपकी सरकार जिस तरह दिल्ली में चल रही, देखिए पंजाब में उनको एक बहुत बड़ा व्यापक एक जो एग्जिट पोल ने दिखाया कि वो नेक टू नेक कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए वहाँ पे जो बादल जनता पूर्ण बहुमत देना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी की पराजय नहीं है, और कांग्रेस की जो विजय श्री हुई है वहाँ पे कांग्रेस के सामने कोई भी विकल्प के तौर पे वहाँ कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। और वहाँ पे ये लगा वहाँ के मतदाताओं को कि यहाँ हमें सरकार बदलनी है, दो बार से उनकी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की हार वहां नहीं हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो सहयोगी दल थे। लेकिन आपका बाहर हो जाना, आप जिस तरीके से दावा कर रही थी कि हम वहां मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, उसका दिल्ली का इफेक्ट है, जो दिल्ली में सरकार चल रही है केजरीवाल की, कहीं ना कहीं मतदाताओं को ये लग रहा है कि केजरीवाल बात ज्यादा करते हैं, वो भी एक सगुबेबाज मुख्यमंत्री है और धरातल में काम कम करते हैं, तो अभी उनकी दिल्ली में सरकार चलने दीजिए। जिस तरह उन्होंने प्रचंड बहुमत दिल्ली में लिया था, अभी दिल्ली में एमसीडी भी होने वाला है चुनाव ना, पता चलेगा, और आने वाले राज्यों में तो पता नहीं क्या होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी ने यूपी में तो अभी अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी होने वाला है, पंजाब में चूक गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जश्न की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। बीजेपी में जश्न मन रहा है क्योंकि दो राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना रही है। लखनऊ की तस्वीरें हैं, गली गली में इस वक्त सिर्फ हर हर मोदी की ही गूंज दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है जहां पर होली मन रही है और यह होली बीजेपी के कार्यकर्ता नाच गाकर मना रहे हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत यूपी की जनता ने यूपी बीजेपी को दे दिया है। इस वक्त पूरे यूपी में सिर्फ नमो नमो ही गूंज रहा है। जश्न की दो तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ सुल्तानपुर की, जो बता रही है कि किस तरह से इस वक्त पूरे जोश और उल्लास से बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक रंग उड़ रहा है, वो है केसरिया, और एक नारा गूंज रहा है, वो है नमो नमो। तो चलिए और सुन लेते हैं कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ इस जीत के बाद क्या कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार की थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, यह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी एकदम फलीभूत होंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता एसपी कांग्रेस के गठबंधन को और बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। तो जश्न है, उमड़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जश्न की तस्वीरें हैं, नमो नमो की गूंज है पूरे उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। तो चलिए हम बात करते हैं अपने एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं राजीव जी, हम अभी तस्वीरें दिखाने से पहले बात कर रहे थे पंजाब में जो हालात बने हैं, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, यहाँ पर बीजेपी के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ती, शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव ना लड़ती तो यहाँ पर तस्वीर कुछ और होती, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? यकीनन बिल्कुल फर्क होता। अकाली का जो वहाँ पर एक तरीके से नाराजगी थी जनता के अंदर वो बहुत ज्यादा थी,
और जनता कई बार ऐसा लगता था कि बहुत घुटन में थी, ऐसा कई लोगों से बात हुई, हम एक दो बार गए भी बीच में, हम अमृतसर भी गए हैं, लुधियाना भी गए हैं, जलंधर भी गए हैं, तो लोग वहाँ पर कहने से भी डरते थे। मतलब अगर वो बात उनकी दो तरह से होती थी, अगर वो लोग हमको दिल्ली में या कहीं मिलते थे तो उनकी बात कुछ और होती थी, और वो पंजाब में जब हम लोगों से बात करते थे उनकी बात कुछ और होती थी, और उसका खमियाजा जिसे कहना चाहिए, उसका जो नुकसान है वो बीजेपी को मिला है। बीजेपी से लोग इतने नाराज नहीं थे ये अगर बात की जाए, लेकिन चूंकि बीजेपी उसकी एक पुरानी एलाय थी, एक बहुत सहयोगी थी, और कम से कम नाराजगी में कई बार क्या होता है कि दोस्तों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है, इसी का फायदा मतलब एक तरीके से मिला है कांग्रेस को। अभी जो आप बात कह रही थी कि क्यों कांग्रेस की तरफ गए, आपकी तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि जनता ने भी आपके मन बनाया हुआ है कि आप ये देखिए पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत देने का मिजाज बना लिया है। जनता की भले आपस में बात ना होती हो, लेकिन ऐसा लगने लगा लोगों की सोच जो है उसको कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन अपने आप भी आती है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ चीजों में जनता का अपने आप एक रुझान बन जाता है, उसी रुझान के तहत उसने स्पष्ट बहुमत की ओर अपना एक डिसीजन सुनाया, क्योंकि वो जो खिचड़ी वाली राजनीति है, जो समर्थनों वाली और वो जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो राजनीति है, उससे कहीं ना कहीं जनता भी अब ऊब चुकी है। कम से कम एक एक्सक्यूज ये होता है कि हमारा बहुमत नहीं था, हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, हमको पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो जनता भी अब नहीं चाहती है कि वो मौके को गंवाएं, और वो जो एक दिन का उसका पावर है उस पावर को वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है ताकि उसके नतीजे जो है दूर तक दिखाई दें और देर तक दिखाई दें, पूरे 5 साल तक दिखाई दें। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जितने भी मामलों में जहां भी समर्थनों की राजनीति हुई है, जहां भी समर्थन की सरकारें चली हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ना तो कोई काम होता है, सिर्फ एक दूसरे का अपीजमेंट होता है या एक दूसरे को मनाने रूठने का खेल होता है। आप देखें चाहे यूपी की बात करें, चाहे आप केंद्र की बात करें, आपने देखा होगा कि कभी कोई कोई बड़ा मंत्री बन जाता है, थोड़ी देर बाद वो हटता है, दूसरा बन जाता है, यानी एक दूसरे को मनाने रूठने का सिलसिला चलता रहता है। चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार में जिस तरीके से अजीत सिंह जी कृषि मंत्री रहे, हालांकि वो एक तरीके से अलग बात थी, यूपी के अंदर मायावती और समाजवादी पार्टी की नाराजगी रही, उसके बाद आप दोबारा देखिए ये तमाम चीजों को लेकर जनता का जो तजर्बा है, जनता का जो अपना नजरिया है वो बहुत कड़वा है। उनको लगता है कि स्पष्ट बहुमत हो, लोगों को काम करने का मौका दिया जाए और उनको कम से कम शिकायत करने का या कोई एक्सक्यूज करने का मौका न दिया जाए। राजीव जी से भी बात कर लेते हैं। राजीव जी, क्या बीजेपी कांग्रेस में उस चीज को नहीं समझ पाए, ये साथ को तोड़ना जरूरी है लेकिन वो नहीं तोड़ पाए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पास संगठन है, इनके पास संगठन नहीं। जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ छल किया, 400-300 प्रत्याशियों को तय किया, उसके बाद उन्होंने 75 सीटों पर तैयार किया, जिस तरह से वो संगठन जीरो कर दिया उन्होंने। और ये बताना चाहता, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पास हम लोग ने जैसे 2014 खत्म हुआ उसकी हम 2017 की तैयारी करने लगे थे। सर, बात पंजाब की हो रही है, जीत हमको नहीं नहीं नहीं, लेकिन अजीत राजीव जी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंजाब की बात कर रहे हैं, राजीव जी यूपी से वहाँ संगठन को क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये साथ ना होता है SKD के साथ तो तस्वीर अलग होती बीजेपी के लिए पंजाब में। तीर उससे जनता की नाराजगी थी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, लेकिन अकाली मेरे साथ शुरू से सहयोग कर रही है और उसका हम सहयोग कर रहे थे, अगर हम अकेले रहते तो बहुत बड़ी जीत होती, लेकिन अकाली के साथ हमेशा समर्थन हमने किया और हम वहां पे हम छोटे हैं, इसलिए अकाली ने वो नुकसान हुआ अकाली का। तो चलिए, आप मानते हैं कि साथ ने आपको नुकसान पहुंचाया है। प्रभात जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रभात जी, जो हम चर्चा को थोड़ा उत्तराखंड की ओर ले आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत की 57 सीटें हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के खाते में सीट जाती जा रही है, वहीं 11 कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड में जो तस्वीर बनी है उस पर हम चर्चा करें, उससे पहले हम कुछ जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय की जश्न की तस्वीरें हैं, नमो नमो की गूंज के साथ एक दूसरे को केसरिया गुलाल लगाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, पोस्टर बैनर के साथ रंग उड़ाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो यही कह रही हैं कि यूपी की हर गली में इस वक्त सिर्फ एक गूंज दिखाई दे रही है और वो है नमो नमो की। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार पूरा समर्थन बीजेपी को दिया है यूपी की जनता की। तो 316 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, बीजेपी के खाते में 316 सीटें उत्तर प्रदेश की चली गई हैं। 403 सीटों का ये में हुए चुनाव हुए थे, इसमें से 315 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 62 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन है, 20 सीटें बीएसपी के खाते में गई हैं और 6 अन्य के खाते में गई हैं, रालोद ने अब तक खाता भी नहीं खोला है।
उत्तराखंड की बात करें तो 57 सीटें बीजेपी के खाते में है, 11 बीजेपी, 2 अन्य के खाते में गई है। यूकेडी ने अपना खाता नहीं खोला है और बीएसपी जो पिछले चुनाव में जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी उत्तराखंड में, वो इस चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई है और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली है। हालांकि कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में उसकी बन रही है, 76 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन 18 सीटों पर पहुंच गया है। आपके खाते में 23 सीटें गई हैं। एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि शिरोमणि अकाली दल को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कांचे का मुकाबला कांग्रेस और आपके बीच होगा। लेकिन लगातार जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, आपको अपनी ही करने का भुगतान करना पड़ रहा है, इस वजह से वो इस रेस में नहीं नजर आई है। तो चलिए एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से अपने मेहमानों की ओर आते हैं। प्रभात जी, उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जाति की राजनीति नहीं होती, धर्म की राजनीति नहीं होती, मुद्दों की राजनीति होती है। तो इस बार क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से बीजेपी को 57 सीटें मिली और कांग्रेस को 11 सीटें मिल पाई? देखिए तुलका जी, उत्तराखंड का जो पूरा राजनीतिक मिजाज है वो आप मोदी के नाम पे जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन वहां भी एक जो ट्रेंड रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं की है, एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार। वहां पे जब उत्तराखंड त्रासदी आई तो वहां एक जो करप्शन का मुद्दा जो था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, वहां उनके मुख्यमंत्री हरीश रावत पे सीधे सीधे स्टिंग ऑपरेशन और करप्शन का आरोप लगा। तो जो उत्तराखंड की जो पूरी राजनीतिक स्थिति बनी कि वहां प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई तो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ वो राज्य, तो ऐसी स्थिति में मोदी का नमो नमो चला और उसके साथ साथ करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा उस राज्य में बना। क्योंकि वहां पे जितने भी आपके देखिए एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, वो पर्यटन के नाम पे किस तरीके से सरकारों ने, रावत जी ने किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार किया, तो वो सारी चीजें जनता के सामने आई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा वहां उत्तराखंड का रहा। और विकास काम भी, अब वो अपने आप को विकास पुरुष कहते थे, बहुत पहले कांग्रेस के एक नरेंद्र तिवारी होते थे वो विकास पुरुष थे, तो विकास का कोई भी विकास पुरुष नहीं चला और वहां करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और नमो नमो की जो गूंज है पूरे देश में सुनाई दे रही है उसका असर उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल की तरफ हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत की ओर एक भारी जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, एक कारण और भी रहा इसमें जी, इसमें एक कारण ये भी रहा कि जिस तरीके से कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्ती की पींगे बढ़ी और एक गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी को लेकर खासतौर से मुलायम सिंह यादव की सरकार को, पिछली सरकार को लेकर। खाले जी, यहाँ पर आपको हम रोकेंगे, हम चर्चा इस वक्त उत्तराखंड की कर रहे हैं, उसी पर थोड़ा केंद्रित रहते, फिर हम वापस। आप पूरी बात सुनती तो आपको पता लग जाता मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर मुलायम सिंह को लेकर जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जब उत्तराखंड जो है बन रहा था और एक आंदोलन हुआ था जिसके अंदर बहुत से लोग मारे भी गए थे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी से खास तौर से वहां पर लोग नाराज थे और उस गठबंधन के बाद उस नाराजगी का उन्होंने कांग्रेस को जो है एक तरीके से अपना इजहार किया है। मैं वहीं की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है ये भी एक कारण रहा है जी। चलिए अजीत जी के पास आ जाते हैं। अजीत जी, एक तो ये कारण जो खाले जी ने बताया उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं, क्या ये एक वजह रही? और इसके अलावा जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से, जब त्रासदी आई उसके बाद विजय भोगड़ा का हटा के हरदा को रखा गया और हरीश रावत ने लगातार अपनी सरकार बचाते हुए, विकास उनका कहना है उन्होंने बहुत करने की कोशिश की, हालांकि बीजेपी बीच में आई और जो सरकार में जो उथल पुथल की स्थिति बनी उसके लिए भी बीजेपी को किरकिरी झेलनी पड़ी, इन सब के इतर जो परिणाम आए वो क्या कहते हैं? देखिए, इसमें उत्तराखंड में आप एक दो चीज को आप जरा सा इस पर गौर कीजिए। एक तो वहां की जनता जो है, आप पिछले सभी इलेक्शन को लीजिए, 30 सीट बीजेपी, 31 कांग्रेस, 30 31 32 34 इस तरह का मैंडेट जो जनता देती रही जी। जिसके कारण हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ा। आप पिछला जो चर्चा कर रही हैं कि इतने कांग्रेसी एमएलए आ गए फिर विधानसभा में और स्टिंग ऑपरेशन हरीश रावत जी का हुआ, तो इससे जनता ये त्रस्त होकर के और ये जो ट्रेंड चला है कि जिसको भी दें फुल मैंडेट दें, तो इसीलिए जनता ने इस बार 30 31 32 के चक्कर में न पड़ के और पूरे 57 सीट बीजेपी को दिखाया जा रहा है, तो पूर्ण बहुमत है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे निर्दलीय की बात सुननी पड़ रही है, जिसका देश परिणाम झारखंड में अच्छी तरह देख चुका है मधु कौड़ा के रूप में कि थोड़ा सा अवसर मिला और कितना बड़ा घोटाला वो उन्होंने कर डाला। तो ये एक बहुत ही अच्छी रुझान जनता ने सोच समझ के अब देना शुरू किया है, जो अच्छा है। दूसरी चीज आप देखिए, अंतिम मोमेंट में यशपाल आर्या को कांग्रेस से हटना पड़ रहा, वो चुनाव जीत भी गए हैं,
जितने भी कांग्रेस के जनता से जुड़े हुए नेता थे जी, वे अधिकांश हट हट करके बीजेपी में आ गए, तो उसका भी एक फैक्टर पड़ा है। ये दो मुद्दे जो हैं कि एक तो जनता बिल्कुल मैंडेट दे रही है और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे हैं वे इधर से आने विकास पुरुष जो है वो विकास पुरुष एनडी तिवारी तक जो है नाराज हैं कांग्रेस से। जी जी देखिए ऐसा है कि जनता में यही मैंने कल के डिबेट में सपा वालों को ये मैंने कहा था अपने इसमें कि जनता में जब मैंडेट कोई चीज चला जाता है कि आप हम भेदभाव कर रहे तो आप उसका डैमेज कंट्रोल करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला जी। जनता में संदेश चला गया।